नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, आज है तारीख 28 दिसंबर, साल है 2023। और देखिए आज यार ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो आज कुछ मैंने काम भी नहीं किया अपने गार्डन में। और देखिए मैं अपने गार्डन से, देखिए मुझे कुछ वीडियो भी आज मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, और ना ही मेरे पास कोई आज टॉपिक था। तो चलिए, तो आज यह हम अपने गार्डन से देखिए छोटी मोटी जो हार्वेस्टिंग आज हम निकलेगी वेजिटेबल की, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अपने गार्डन से कुछ है वेजिटेबल की हम यहाँ पे हार्वेस्टिंग करेंगे। देखिए अभी जो है धूप ना निकलने के कारण जो है कुछ वेजिटेबल भी यहाँ पे कम लगी हैं, तो कोई बात नहीं, हमें सब्जी थोड़ी मिले या ज़्यादा मिले, लेकिन क्या होंगे जो इस तरह से फ्रूट्स या जो वेजिटेबल्स इस तरह से हम अपने गार्डन से हार्वेस्ट करते हैं तो देखने में बहुत ही खुशी मिलती है। तो चलिए हम अपने गार्डन से कुछ जो है हार्वेस्टिंग यहाँ पे आज कर लेते हैं। देखिए हार्वेस्टिंग में जो है यहाँ पे आज यहाँ पे जो है अपने फूल गोभी की यहाँ पे हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कई सारे जो है इस तरह से पेड़ लगाए थे फूल गोभी की, ये जो है सारी सीडलिंग मैंने नर्सरी से लेके आया था, लेकिन नर्सरी से जो सीडलिंग थी मुझे काफ़ी बड़ी मिली थी। और देखिए इस तरह से मैं जो अभी हेड बन चुका है, तो आज जो है मैं कुछ इस तरह से हार्वेस्ट कर लूँगा। देखिए ये अभी थोड़ा साइज़ अभी इसका छोटा है, और देखिए इसमें जो है अभी नया हेड जो देखिए बनना भी शुरू हो गया। तो इस तरह से गोभी के जो प्लांट्स हैं वो आप लगा सकते हैं। और देखेंगे तो मैंने कुछ ज़्यादा बड़े इस तरह से पॉली बैग में ही मैंने इनको लगाया है, कुछ ज़्यादा बड़े गमले में भी नहीं लगाया था। आप गमले में इस तरह से एक प्लांट जो है गोभी का लगा सकते हैं। तो देखिए एक चीज़ और यहाँ पे आपको एक टिप और यहाँ पे देता चलूँ। देखिए जैसे कि आप मेरी गोभी देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे छिदनी भी स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब यह है कि जो गोभी है अगर आप इसको इस टाइम पे हार्वेस्ट नहीं करते हैं तो देखिए इसमें क्या होगा कि जो है फैल जाएगी और इसमें जो है ऊपर फ्लावरिंग आ जाएगी, उसमें जो है सीड पॉट यहाँ पे बन जाएंगे। तो देखिए इस तरह से आप जो गोभी सही समय पर हार्वेस्टिंग कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे मेरी इस वजह से यहाँ पे हुई है क्योंकि जब मैंने नर्सरी से इनको बाय किया था तो इनकी जो सीडलिंग थी यहाँ पे क्या होगा कि काफ़ी बड़ी मुझे प्योर यहाँ पे मिली थी इस वजह से। तो देखिए इस तरह से अगर आप वेजिटेबल में खासतौर पर अगर आप देखें और फ्रूटिंग प्लांट में अगर आप इनको सही समय पर अगर आप जो है देखिए इनको मैं कहूँगा रिपोर्ट नहीं करते हैं तो जो उनकी मैं कहूँगा कि ग्रोथ यहाँ पे रुक जाती है, मैच्योर ये प्लांट हो जाते हैं जिनके कारण जो है अच्छे से फ्लावरिंग या फ्रूटिंग नहीं कर पाते हैं, ये खास रीज़न रहता है वेजिटेबल में। तो आप देखिए इस तरह से जो है सही समय पर मैं कहूँगा कि आप अगर सीडलिंग वगैरह लगाते हैं या फिर जो प्योर वगैरह लेके आते हैं तो इस तरह से रूट बाउंड वगैरह हो जाता है, तो उसका सही समय पर आपको ट्रांसफ़र यहाँ पर कर देना चाहिए। अगर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो देखिए वो जो है मैं कहूँ कि प्लांट जो है थोड़ा मैच्योर हो जाता है और ढंग से फ्रूटिंग नहीं करता है। तो चलिए सबसे पहले जो है देखिए इसी को हम यहाँ पे हार्वेस्ट कर लेते हैं। और हार्वेस्ट करने वाले फ्रेंड देखिए इस तरह से हमारा जो पॉट है वो यहाँ पे फ्री हो जाएगा, तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे नई जो है अपनी प्योर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए एक जो हेड था वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो देखिए एक हेड जो है मैंने यहाँ पे कट कर लिया है इस तरीके से। तो देखिए एक हेड हमने काट लिया है और यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे क्या हुआ दोनों फूल जो हमारे गोभी के इनको भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। इसी तरह से जो इसकी जो मिट्टी है वो दो दिन के लिए हम यहाँ पे फ्री के लिए छोड़ देंगे, और अगर फैलाना चाहिए तो फैला दीजिए दो दिन के लिए। और फिर से जो है इसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो मिला के आप अच्छे से जो खाद वगैरह मिला के इसमें आप फिर से जो मैं कहूँगा कि आप नए प्लांट इसमें लगा सकते हैं वेजिटेबल के। तो चलिए एक जो ये दूसरा फूल भी जो था वो हमारा यहाँ पे हार्वेस्ट हो गया। आप तो यहाँ पे जो है तीसरा फूल जो है वो भी यहाँ पे हम हार्वेस्ट कर लेंगे। तो उसके मेरे पास अभी 8 से 10 प्लांट और लगे हैं जिनमें भी तरह से हेड बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए 3 गोभी जो थी हम यहाँ पे हार्वेस्ट कर चुके हैं, जो है 3 मैंने इस तरह से देखिए तीनों फूल जो है यहाँ पे हार्वेस्ट कर लिए हैं। और देखिए इसी तरह से मैंने क्या कहूँगा कि पत्ता गोभी मैंने यहाँ पे लगाई है, कैबेज और बाकी जितने सारे हैं देखिए इस तरह से काफ़ी सारे प्लांट्स हैं मेरे पास फुल गोभी के, वो जो मैंने इस तरह से लगा रखे हैं। देखिए इस तरह से मैं कहूँगा कि स्पेशल जो पॉट भी परचेज़ करने की जरूरत नहीं है, आप तो इस तरह सीमेंट के कट्टे हैं देखिए तो घर पर मैं कहूँगा किचन से निकल जाते हैं इस तरह से चावलों के कट्टे सीमेंट के कट्टे बैग जो इस तरह से उनमें आप जो इस तरह से मैं कहूँगा वेजिटेबल्स है वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल जो आपको मैं कहूँगा कि 60 से 90 दिन में यानी 2 से 2.5 महीने में जो है मिल जाती हैं और इतने समय तक जो ये बैग हमारे चल जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब जो हम नेक्स्ट जो हार्वेस्टिंग दे सकते हैं, अब जो चिल्ली जो है मिर्च यहाँ पे हम तोड़ने वाले हैं। तो ये देखिए मेरे सूर्य किस्म की चिल्ली है, देखिए सूर्य किस्म है ये जो है आप सूरज की तरफ जो अपना फेस है ऊपर की तरफ रखती हैं, तो ये भी क्या होंगे खाने में काफ़ी तीखी रहती हैं। देखिए इनके जो टेस्ट है काफ़ी चरचरापन है इनमें, तो ये सारी जो हम हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। देखिए विंटर्स में मैं कहूँ कि ये मेरे जो है घर में मैं कहूँगा कि सफिशेंट निकल जाती है टाइम यूज़ के लिए। तो इस तरह से देखिए सर्दियों में है कि अभी धूप कम निकलती है, तो क्या होंगे मिर्चें हैं जो यहाँ पे कम यहाँ पे लग रही हैं, फ्लावरिंग भी इसमें कम हो रही है, तो लेकिन यहाँ पे फिर भी क्योंकि मेरा यहाँ पे काम चल जाता है, इतनी सारी जो मिर्ची हैं वो निकल जाती हैं। और जैसे ही सनलाइट यहाँ पे तेज है धूप निकलने लगेगी तो देखिए मैं कहूँगा जो हमारी मिर्ची की यहाँ पे काफ़ी सारी इसमें नई फ्लावरिंग और जो फूडिंग फिर से स्टार्ट होगी, तो इनको भी देखिए हम यहाँ पे जल्दी से हार्वेस्ट करेंगे। तो देख सकते हैं किस तरह से गुच्छों में जो है इस तरह से मेरे पास लगी हैं काफ़ी सारी मिर्चें, इन सबको जो हम हार्वेस्ट कर देंगे। जो स्मॉल मिर्ची हैं देखिए उसको जो हम छोड़ देंगे।
तो इस तरीके से आप जो है वेजिटेबल घर पे लगा सकते हैं फ्रेंड्स। मैं कहूँगा इस तरह से जो सब्जियां हैं देखिए घर से आप ले सकते हैं, मिल जाती हैं। तो देखिए तो ज़रूरत के अनुसार जो है मैंने यहाँ पे मिर्ची हार्वेस्ट कर ली हैं, और बाकी जो इस तरह से स्मॉल मिर्ची है वो मैंने इस तरह से अभी छोड़ दी है प्लांट के ऊपर। और देखिए जो नेक्स्ट हार्वेस्टिंग में देखिए इस तरह से मैं कहूँगा सिंगरे जो कि हम तोड़ने वाले हैं, आप इस पर देख सकते हैं जो फ्लावरिंग कितनी भरपूर तरीके से इस पर रखी है। तो मैं कहूँगा जितनी इस पर फ्लावरिंग होती है उतनी इस पर जो फ्रूट लगता है, और जो फ्रूट है देखिए इस तरह से काफ़ी सारी जो इस पर मैं कहूँगा इस तरह से लगी हैं। देखिए बीन्स, इसी को हम यहाँ पर तोड़ेंगे सिंगरों को। अच्छा इसकी जो हार्वेस्टिंग है ना, मैं कहूँगा कि आप जैसे एक बार हार्वेस्ट कर लेते हैं तो दो दिन में ही इसकी आप जो दोबारा से आपको जो है उसकी हार्वेस्टिंग रेडी मिल करने को मिल जाती है। तो ये जो मुझे है वेजिटेबल बहुत ही पसंद यहाँ पे है, और खाने में काफ़ी इसका टेस्ट है वो भी यहाँ पे अच्छा बनता है इनका जो टेस्ट है। अगर आप इनको कच्चे भी खाएंगे तोड़ के तो भी आपको मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा टेस्ट इसका लगेगा। इसमें थोड़ा चरचरापन जरूर रहता है, जैसे कि आप मूली है मूली जैसे खाते हैं वैसे इसका टेस्ट रहता है सेम। अगर आप इसके दो सिंगरे तोड़ के खा लेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने जैसे हाफ मूली यहाँ पर खा ली है। तो काफ़ी इसकी जो सब्ज़ी है वो भी काफ़ी टेस्टी हमें बनती है। तो इसको जल्दी से मैं यहाँ पे हार्वेस्ट कर लेता हूँ, और फिर जो है यहाँ पे नेक्स्ट वेजिटेबल है वही फिर हम यहाँ पे हार्वेस्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैं कहूँगा कि सिंगरों की हार्वेस्टिंग हमने कर ली है देखिए इस तरीके से। और देखिए यहाँ पे जो है मेरा कुछ पालक यहाँ पे लगा हुआ देखिए, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल दिया था, फिर से जो है इसमें कुछ मेरे जो छोटे छोटे पालक यहाँ पे रह गए थे फिर से जो यहाँ पे ग्रो हो गए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पालक है जो वो भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो पालक की जो है यहाँ पे हार्वेस्टिंग हम कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है पालक, सिर्फ इतना है कि आप अगर एक या दो तीन बंदों के लिए अगर आप यहाँ पे दाल पालक बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे इजली से बन जाएगा। तो सिर्फ इतनी ही पालक है, तो इसको भी मैं यहाँ पे यहाँ से निकाल लूँगा और मिट्टी की फिर से जो है गुड़ाई करके या फिर जो हम यहाँ पे नया पालक जो है हम यहाँ पे बीज देंगे। देखिए पालक जो है खेतों में आपने देखा होगा तो वो जो है देखिए इस तरह से मैं कहूँगा केमिकल जो है यूरिया इस पर स्प्रे वगैरह करते हैं, जिसके कारण पत्ते बड़े जल्दी से फास्ट बड़े होते हैं और पालक भी काफ़ी जल्दी से बड़ा होता है। लेकिन हमारा जैसे पालक हम घर पे ग्रो करते हैं ये प्योर ऑर्गेनिक पालक रहता है, तो इसमें थोड़ी थोड़ी समय यहाँ पर जरूर से लगता है बड़ा होने में। और ये मेरी ऊपर वाली छत पर देख सकते हैं कुछ फ्लावर्स जो कि इस तरह से लगे गुलदाउदी के काफ़ी सारे हैं। देखिए इसमें कलर्स काफ़ी प्यारा है, देखने काफ़ी सुंदर ये लगते हैं देखिए। और इसके काफ़ी सारी वैरायटीज़ है वो भी मेरे पास अभी इसकी लगी हैं, इसमें रेड कलर भी काफ़ी प्यारा है और काफ़ी सारे हैं इसमें सारे देखिए इस तरीके से ये देखिए। तो सर्दी में तो आपको फ्रेंड्स ये ज़रूर से लगाने चाहिए। और ये मेरे अनार का प्लांट जिस पे आप देख सकते हैं फ्लावरिंग इस पे हो रखी है, काफ़ी अच्छी इस पे फ्लावरिंग है। और ये मेरे नीचे के कुछ फूल आप देखिए कि जो खिले हैं इस तरह से। तो लीजिए हमारी हार्वेस्टिंग थी वो कंप्लीट हो गई। तो देखिए ये थी हमारी आज की हार्वेस्टिंग, ये कुछ सिंगरे जो तो मैंने तोड़े, और ये देखिए पालक ये भी हार्वेस्ट हमने किया है, और ये मेरे तीन गोभी के फूल जो कि आप देख सकते हैं कितने सुंदर हैं, और यहाँ पे कुछ मिर्ची हमने हार्वेस्ट करी थी। तो ये थी हमारी आज की हार्वेस्टिंग ये देखिए। तो उम्मीद आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो है मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से सुंदर सुंदर जो वीडियोज़ है गार्डन से रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन जो है प्लांट्स रिलेटेड वो आपको मैं देता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।